अपने पहले कस्टमर के पास पहुंच गया हूँ। तो आज डेट है 17 अगस्त, 8:04 हो गए, 7:30 का फ्लाइट था, आधा घंटा लग गया टैगर लेके और पहले कस्टमर के पास आने में। आज पैकेट मिले हैं 26, जिसमें से 14 सीओडी पैकेट है, ये आप देख पाएंगे। तो 26 पैकेट करने में मुझे आज लगेंगे कम से कम 3 घंटे, तो 8, 3, 11 बज जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कस्टमर के पास आता हूँ और पहले भी स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो टाइम हो गया है 10:48 और हमारे सारे पैकेट ख़त्म हो गए, जिसमें से 4 अटेम्प्ट हैं, एक कैंसिल है और 3, एक पेमेंट नहीं रेडी था, एक की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा गलत थी इसलिए नहीं डिलीवर कर पाए, और दूसरा था एक कस्टमर से बात नहीं हो पाई, उनका नंबर लग ही नहीं रहा था एक्चुअली। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, मतलब दो ही बार या तीन बार ट्राई किया था तो लग ही नहीं रहा था, तो जब नहीं लग रहा था तो फिर मैंने कैंसिल मार दिया। तो ये देखिए कैश जो हमारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैश हैं और 3 ऑनलाइन है, ठीक, तो 7, 3, 10 मतलब 30% हो गया मेरा, तो 7, 3, 10 मतलब 4 पैकेट जो लाए हुए सारे सीओडी में, इस तो मैंने नोटिस नहीं किया। आइए हम दिखाते हैं कि सीओडी पैकेट कैसे पता करते हैं, ठीक है। ये सीओडी पैकेट, ये सीओडी पैकेट, ये सीओडी पैकेट और ये भी सीओडी पैकेट। यहाँ पे प्रीपेड लिखा होता है, एक बॉक्स और बना होता है उस पर प्रीपेड लिखा होता है सब पे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बॉक्स में एक और बना हुआ प्रीपेड लिखा हुआ, वहाँ पे प्रीपेड, एक भी प्रीपेड नहीं, सारे सीओडी पैकेट हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर, मेरे पास कैश हो गया है 2586.31 पैसा और 3800 मैंने ऑनलाइन लिया है, ठीक है। तो चलिए मैं जा रहा हूँ स्टेशन, 11 बजे, 8 बजे निकला था, बोला था मैंने 11 बज जाएगा, तो 11 बज गया, फटाफट वापस करते हैं फिर निकलते हैं घर, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।